हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ना हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका फोन हैंग करता है तो सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इस ऐप में नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर ये स्टोरेज का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के सामने वाला डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में सबसे ऊपर प्रोफाइल पिक्चर पे टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है, इसमें देखिए मैनेज एप्स एंड डिवाइस का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये अपडेट अवेलेबल के नीचे अगर ये सी डिटेल दिखाई देता है तो सी डिटेल पे टैप करना है, तो आपका ये पेज आता है। इस पेज में आपके मोबाइल फोन के वो सभी ऐप दिखाई देते हैं जो आपके अपडेट नहीं है, इन सभी ऐप को अपडेट करना है इस अपडेट के बटन पे टैप करके, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, इंटरनेट को चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहां पर आपको इस सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब यहां पे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड है सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ही ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ही ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करने, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।